चेतना संस्था बिलासपुर के तत्वाधान में सेवारत जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र बिलासपुर द्वारा किसान भवन में बिलासपुर दिव्यांगजनों के लिए निशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विशेष ओलंपिक भारत की उपाध्यक्ष व हिमाचल विशेष ओलंपिक की अध्यक्ष तथा चेतना संस्था की संस्थापक डॉक्टर मल्लिका नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि उपायुक्त विवेक भाटिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर मल्लिका नड्डा तथा उपायुक्त विवेक भाटिया द्वारा जिला की लगभग 13 पंचायतों से आए 105 चिन्हित दिव्यांगजनों, जिन्हें जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की टीम द्वारा अपने सर्वेक्षण के दौरान चिन्हित किया गया था, उन्हें 3,81,000 के विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए गए। दिव्यांगजनों द्वारा इसको काफी सराहा गया। राष्ट्रीय स्तर पर पटियाला प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चयनित जिला के 6 खिलाड़ियों को भी इस विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चेतना संस्था के दिव्यांग बच्चों द्वारा रंगारंग मनमोहक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने कहा कि दिव्यांगजन दिव्य पुरुष होते हैं और इनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा के समान है तथा ये सभी का कर्तव्य भी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन समाज का अभिन्न अंग है और इन्हें ये प्रमाणित भी कर दिया है कि यदि इनकी ओर सही ध्यान दिया जाए और दिशा दी जाए तो ये अपने परिवार, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में चेतना संस्था काफी लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि ऐसे दिव्यांग बच्चे जिन्होंने विशेष खेलकूद प्रतियोगिता में विश्व स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, उनके लिए इनाम राशि के अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्ल्ड विंटर गेम्स स्पेशल ओलंपिक्स जो ऑस्ट्रिया में आयोजित हुए थे और उसमें जो हमारे खिलाड़ी, विशेष खिलाड़ी मानसिक अक्षमता से ग्रसित बच्चों ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के कारण आज उन्होंने जहां हमारे अपने जिले का, प्रदेश का और देश का नाम गौरवान्वित किया, उन सबको मैं बधाई देती हूं। उनके कोच, उनके अभिभावक और उनके जो मेंटर्स हैं, जो स्पेशल ओलंपिक्स की टीम है, जिन्होंने इनको ट्रेनिंग दी, कोचिंग दी और इन्हें इस लायक बनाया कि ये इतने सारे मेडल्स प्रदेश के लिए ला सके। 21 मेडल हिमाचल प्रदेश ने प्राप्त किए और पूरे देश में सबसे अधिक मेडल हिमाचल प्रदेश को मिले, जिसमें लगभग 65 लाख की राशि हमारे विशेष बच्चों को मिली है और 1,47,00,000 की राशि पूरे देश में इन विशेष बच्चों को इस खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्राप्त हुई। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, जिन्होंने ये इन बच्चों को पहली बार प्रोत्साहन राशि के साथ सम्मानित किया। पिछले वर्ष भी इन बच्चों को सम्मानित किया था और इस वर्ष किया, तो ये नई शुरुआत इन बच्चों को सम्मानित और इन बच्चों का मान बढ़ाने का किया गया है। हम सभी को धन्यवाद करते हैं और एक बार पुनः उन विशेष बच्चों को बधाई देते हैं।